दोस्तों, भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि भारत की एक रेल लाइन पर आज भी ब्रिटेन का कब्जा है। इसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं है, ब्रिटेन की एक निजी कंपनी इसका संचालन करती है। नैरो गेज के इस ट्रैक का इस्तेमाल करने वाली इंडियन रेलवे हर साल 1,20,00,000 की रॉयल्टी ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी को देती है। इस रेल ट्रैक पर शकुंतला एक्सप्रेस के नाम से सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। अमरावती से मूर्तिजापुर के 189 किलोमीटर के इस सफर को ये 6 से 7 घंटों में पूरा करती है। अपने इस सफर में शकुंतला एक्सप्रेस अचलपुर, यवतमाल समेत 17 छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती है। 100 साल पुराने 5 डिब्बों की इस ट्रेन को 70 साल तक स्टीम इंजन खींचता था। आपको बता दें कि इसे 1921 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बनाया गया था। 15 अप्रैल 1994 को शकुंतला एक्सप्रेस के स्टीम इंजन को डीजल इंजन से बदल दिया गया था। इस रेल रूट पर लगे सिग्नल आज भी ब्रिटिश कालीन के हैं। इसका निर्माण इंग्लैंड के लिवरपूल में 1895 में किया गया था। 7 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन में प्रतिदिन 1000 से भी ज्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। इस रूट पर चलने वाले शकुंतला एक्सप्रेस के कारण इसे शकुंतला रेल रूट के नाम से भी जाना जाता है। अमरावती का इलाका अपने कपास के लिए पूरे देश में फेमस था। कपास को मुंबई पोर्ट तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था। 1903 में ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन की ओर से ये शुरू किया गया था। 1857 में स्थापित इस कंपनी को आज सेंट्रल प्रोविनेंस रेलवे कंपनी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश काल में प्राइवेट फर्म ही रेल नेटवर्क को फैलाने का काम करती थी। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सिर्फ यही रूट भारत सरकार के अधीन नहीं था, इस रेल रूट के बदले भारत सरकार हर साल इस कंपनी को 1,20,00,000 की रॉयल्टी देती है। और आज भी इस ट्रैक पर ब्रिटेन की इस कंपनी का कब्जा है। इसके देखरेख की पूरी जिम्मेदारी इस पर ही है। हर साल पैसा देने के बावजूद ये ट्रैक बेहद जर्जर है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि पिछले 60 साल से इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। इस पर चलने वाले JDM सीरीज के डीजल लोको इंजन के अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाती है। इसमें सेंट्रल रेलवे के 150 कर्मचारी इस घाटे के मार्ग को संचालित करने में आज भी लगे हैं। इस ट्रैक पर चलने वाले शकुंतला एक्सप्रेस पहली बार 2014 में और दूसरी बार 2016 में बंद हुई थी। स्थानीय लोगों की मांग और सांसद आनंद राव के दबाव से सरकार को फिर से इसे शुरू करना पड़ा था। सांसद आनंद राव का कहना है कि ये ट्रेन अमरावती के लोगों की लाइफलाइन है, अगर ये बंद हुई तो गरीब लोगों को बहुत दिक्कत होगी। आनंद राव ने इस नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड को भेजा है। भारत सरकार ने इस ट्रैक को कई बार खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ये संभव नहीं हो सका।